सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि ये वाला जो माइक है, ये जो मैंने अपने हाथ में पकड़ा हुआ है, ये मैंने अपने हाथ में इसलिए पकड़ा हुआ है क्योंकि अभी मैं इस कैमरे को ये इस ट्राईपोड के ऊपर शिफ्ट करने लगा हूँ। तो हाँ, खुश तो बहुत हो रहे होंगे आप लोग कि फाइनली मैं ये इस गेमिंग वाले ट्राईपोड से ये व्लॉगिंग वाले ट्राईपोड पे आ गया हूँ। तो हाँ, आप में से काफ़ी लोगों को पता ही है कि मेरी जॉब हो चुकी है और ये जो वीडियोस वगैरह आप लोग देख रहे हो तो ये भी मैं वीकेंड पे ही आके इधर बना रहा होता हूँ। लाहौर में मेरी जॉब होती है, वहाँ मैं जॉब करता हूँ, वीकेंड पे जब यहाँ आता हूँ यहाँ से वीडियोस बनाता हूँ, रिकॉर्ड करके एडिट करके वहाँ ले जाता हूँ और फिर वहाँ से अपलोड करता रहता हूँ मैं उनको। इतना अंधेरा क्यों है? लेकिन ऐसे चल नहीं सकेगा और आप लोगों को अपडेटेड कंटेंट भी नहीं मिल सकेगा। जहरी बात है, अगर मैंने आज कुछ बनाना है, मेरा दिल कर रहा है, तो मैं नहीं बना सकता क्योंकि मेरे पास मेरा इक्विपमेंट ही नहीं है। सो या दिस ब्रिंग्स अस टू दिस डिसीजन कि हम लोग यहाँ से अपना सारा इक्विपमेंट मूव करेंगे लाहौर में। हाँ, आप लोगों के लिए एक नॉर्मल सी बात होगी कि हाँ यार, पीसी पुसी है, उठा के ले जाएगा लाहौर, इट्स ओके। और हाँ, ऐसा ही है, कुछ सामान ही तो है। मैंने कल सुबह कोई 8-9 बजे लाहौर निकलना है और इस वक्त रात के 3:02 हो रहे हैं और मैं आज पूरा दिन ये सामान अपना पैक कर ही नहीं सका। उसकी वजह ये थी कि मैं इस चीज के लिए रेडी ही नहीं हो पा रहा था। देखो, हर चीज के साथ ना आपकी एक सेंटिमेंटल वैल्यू जुड़ जाती है। अब इस कमरे की हर चीज मैंने अपने हाथों से खरीदी हुई है। जब कमरा तैयार करवाया था तो ये सारी पैलिंग वगैरह, इनके डिजाइन पे मैं इतना खपा था। ये इस दीवार पे ये वुड वाला डिजाइन मैंने फाइनल किया था और बाकी जो 3 दीवारें हैं ये यानी कि ये इस कलर में थी। स्पेशल जाके अपने लिए मखमल का पर्दा लेके आया था मैं। जो बेड बनवाया था ये फुली कस्टम था, 100% कस्टम था, फुल डिजाइन दिया मैंने उसे। और तो इस बेड के साथ ये दो ये वाले ड्रॉअर भी थे और ये यहाँ भी सामान रखने की जगह थी। खैर, इट इज व्हाट इट इज, अब क्या कर सकते हैं, जाना तो है। मुझे नहीं पता मैं इस कमरे में दोबारा कब वीडियो बना सकूंगा, कभी वीडियो बना भी सकूंगा कि नहीं, मुझे नहीं पता मुझे लाइफ किस तरफ लेके जाएगी आगे। खैर, पैकिंग पे आया था, अभी तक पैकिंग के नाम पे मैंने एक ट्राइपॉड ही सीधा किया, वो भी अभी मैंने कैमरे से ही उतारा है। इतनी देर से ये पीसी को ऐसे ही बस चला के देखी ही जा रहा हूँ बस बिना वजह। हाँ हाँ, पता है कि ये सारा कुछ मेरे साथ ही जाएगा, इतना इमोशनल होने की जरूरत नहीं है और मैं नहीं हो रहा इमोशनल, थोड़ा थोड़ा हो रहा हूँ लेकिन क्या करूंगा मैं। अच्छा, मैंने कहा जा तो रहे हैं तो क्यों ना जाते जाते मैं आप लोगों को एक स्पॉन्सर के बारे में बता देता हूं। तो आज हमारे चैनल को स्पॉन्सर किया है एक और यूट्यूब चैनल ने और वो बंदा भी इधर खाने वाल का ही है। तो चैनल का नाम है जी बाहर के लोग। इस बंदे को बाहर के मुल्क शिफ्ट हो गए, इतनी खुशी हुई इसने अपने चैनल का नाम ही बाहर के लोग रख दिया। तो ये देखो, ये मैंने भी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, कर दिया सब्सक्राइब, मैंने देखी है पावर पैसे की। खैर, तो ये बंदा इधर मेरे ही शहर का है खाने वाल का और ये बंदा अब मलेशिया शिफ्ट हो गया, तो वहाँ की लाइफस्टाइल और उस तरह के व्लॉग्स वगैरह बना रहा होता है। नीचे लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, जाके एक दफ़ा ज़रूर देख लेना यार, पता चलना चाहिए बंदे को कि आवाम आई है। ठीक है, एक दफ़ा जाके देखना ज़रूर, अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो सब्सक्राइब कर देना, नहीं आए तो देख लेना जो दिल करे, लेकिन हाँ एक दफ़ा जाके देखो ज़रूर। और बड़ी बात है यार, मेरे ही शहर के लोग मुझे स्पॉन्सर कर रहे हैं तो इसलिए मैं भी चाह रहा हूँ कि हम भी उसको अच्छा सा रिस्पॉन्स दें। लेकिन ये जो कमरा मैंने बनाया था ना, ये एक परफेक्ट रूम था, परफेक्ट रूम फॉर यूट्यूब। यहाँ मैंने एक LED लगवाई थी जिसको ऑफकोर्स मैं इतना ज़्यादा चलाता नहीं, लेकिन मेन चीज़ ये है कि ये LED है और ये मेरा बेड है, बिल्कुल अपने बेड के बिल्कुल सामने मैंने LCD लगवाई थी। और ये देख लो, इन ड्रॉर्स में बहुत खजाने पड़े हैं। इस वाले में थोड़ा कम पड़ा है सिवाय इसको छोड़ के, इसके अंदर बहुत पैसा है मेरा। ठीक है, बाय द वे जिनको नहीं पता, ये एक मनी बॉक्स है, गल्ला कह लो यार। तो इसको जिंदगी में कभी खोलेंगे यार आगे जाके। ये मेरे थैनोस का मास्क, ये एक मैंने अमंगस का मास्क लिया था जिसको कभी यूज ही नहीं किया, एक ये भी मास्क था मेरे पास, ये चेक करो, ये भी कभी नहीं पहना मैंने। और वो चीज है मेरे पास, ये वो थैनोस का वो वाला, एक ये भी मास्क था मेरे पास, बहुत मास्क बहुत पड़े हैं मेरे पास। ये वो स्पाइडरमैन वाला, ये वो ठग लाइफ ग्लासेस, और ये देखो जी एक और आ गया। नोमी, क्या शौक था तुझे ऐसी चीजें इकट्ठी करने का, लेकिन हाँ इनमें से अक्सर तो मैं कभी यूज ही नहीं कर सका। मैंने बताया कि मैं यूट्यूब को लेकर के जमाने में बहुत ज्यादा पैशनेट था। ठीक है, मैंने बहुत कुछ ऑर्डर कर दिया, मैंने ऐसी ऐसी चीजें मंगवा ली थी जो यहाँ से मिलती नहीं, मैंने बाहर से मंगवाई थी वो चीजें। एनीवेज, तो वीडियो को और इमोशनल नहीं करेंगे, तो आइडिया तो हो ही गया आप लोगों को कि मैं यहाँ से मूव करने वाला हूँ और मैं अपने सारा सामान यहाँ से उठा के ले जाऊंगा। खैर, तो मैंने अभी टाइम दिखाया था, रात के 3 बज रहे थे, तो मेरे ख्याल में मैं थोड़ा सा सो लेता हूँ, सुबह उठूंगा, फजर पढ़ूंगा और फजर के बाद ही सारी पैकिंग वगैरह शुरू करता हूँ मैं। ये अलार्म लगा लेते हैं जरा 3-4, क्योंकि भाई फिर जाग ही नहीं आती, पता लगता है ये तो 8 भी बज गए। ओके, सो टाइम टू स्लीप। Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test.
If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself. Okay जी, तो main LED जो थी मेरी वो इसमें आ गई है, CPU मेरा इसमें आ गया है, और इसके अंदर दूसरी वाली LED आ गई है, और यहाँ ये शॉपर वगैरह में वो सारी तारें शारे ये वो मैंने LEDs डाल दी हैं बस यहाँ से निकाल के, क्योंकि यहाँ से फिर मैं निकाल के वापस लगा लूँगा, जैसे CPU के अंदर लगी होती वहाँ से मैंने सारी खींची और इसके लिए डाल दी। ये हेडफोन वगैरह ये भी सारी चीज़ें अभी रखनी है यार, ये वो ये जो मोनीटर के लिए माउंट होता है जिसके ज़रिए वो इस तरह दो लगे होते हैं, ये वो है, ये वाला मंजन भी लेके जाना है। बाकी इस टेबल का देखते हैं, टेबल का क्या करना है पता नहीं, टेबल कैसे आएगा उधर देखते हैं यार क्या सीन है। ओके तो मैंने नहा धो लिया, सारा सामान फोन मैंने पैक कर लिया अपना, खैर फिलहाल तो ये है कि सारी पैकिंग शैकिंग हो गई है। ये देखो जी ये पड़ी है सारी चीजें, बाकी हाँ मैं यहाँ से चला जाऊंगा, सो दिस रूम विल नॉट बी सेम फॉर मी एनी मोर। ठीक है, मुझे अब वो वाली वाइब भी नहीं आया करनी यहाँ से, क्योंकि अनकरीब ये जो टेबल यहाँ पड़ा है ये टेबल भी यहाँ से उठा के ले जाना है, तो फिर पीछे रह के जाना है। लेकिन खैर इट्स लाइफ और लाइफ इज हार्ड, अपनी ग्रोथ के लिए आपको कम्फर्ट जोन से बाहर निकलना ही पड़ता है। ओके जी, तो फाइनली मैं यहाँ पहुंच गया हूँ, मैंने ज्यादा व्लॉग किया नहीं रस्ते वगैरह में, और अब भी लाइट गई हुई है, सिर्फ ये एक ही बल्ब चल रहा है इधर, ऊपर से ये मैंने कंघी भी नहीं की हुई है। तो ये सारा सामान आ गया, और ये गंद चेक कर लो भाई, ये सारा कुछ ऐसे ही आ गया इधर। इस सबको भी सेटअप करूंगा, और मुझे ये भी पता है कि इस कमरे में ना मेरी आवाज थोड़ी सी ज्यादा ही गूंज रही है। ये देखो भाई, मुझे ही अपनी दो चार आवाजें वापस सुन रही हैं। खैर तो अभी तो बहुत कुछ है करने को, अभी मैंने ये सारा कुछ सेट करना है, मैंने घर से अभी अपना टेबल भी मंगवाना है यार। तो बस फिर आज का व्लॉग यहीं खत्म करते हैं, और हम मिलते हैं बड़ी जल्दी है अगली वीडियो में। तो आप लोग ये कर दो कि वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि सोच तो रहा हूँ कि अब व्लॉग कर दो शुरू। खैर तो बस चलता हूं मैं वीडियो में, तब तक के लिए। तो देखो सीन ये है कि लाइट तो फिलहाल अब भी नहीं है, ये मैंने वीडियो जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, ये वाला पार्ट इस वक्त वीडियो एडिट होने के बाद रिकॉर्ड हो रहा है, उसकी वजह ये है कि वीडियो 8 मिनट की बन नहीं रही थी। ये देखो जी 6 मिनट और 56 सेकंड के बाद इसकी बस हो चुकी थी, तो मैंने कहा चलो क्यों ना 1 मिनट और खींच लिया जाए। अब देखो 1 मिनट जो मैं खींचना ये मैं आपका जाया नहीं करवाऊंगा, मैं ऐसे नहीं खींचूंगा वैसे 30 सेकंड। ओके ठीक है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि मैंने फिलहाल यहाँ की सेटिंग वगैरह कैसे की हुई, क्योंकि मैं वहां से सामान वगैरह लेके आ गया था, तो यहाँ भी मैं दिखा देता हूँ क्या चल रहा है लाइफ में। ओके तो ये देखो ये मेरा सारा पीसी वगैरह पड़ा है, पीसी मेरा ये पड़ा है, मेन एलईडी मेरी ये वाली पड़ी है इधर, और बैग शैग भी इधर ही पड़े, और यहाँ ये वाला सीन चल रहा है। देखो सिर्फ एक ही गंदा सा मरा हुआ लैपटॉप है मेरे पास, वो चला रहा हूँ मैं, और ये मेरी सेकेंडरी एलईडी है जिसको मैं मेन एलईडी के तौर पे इस्तेमाल कर रहा हूँ। यहाँ ना मैंने अभी पूरा पीसी अपना खोला ही नहीं है, उसकी वजह ये है कि अभी मुझे कोई उतनी खास जरूरत महसूस हुई नहीं है कि मैं इतनी खपाई करूँ ये सारा खोलता खोलता फिरूँ, और उसके अलावा अभी मेरा टेबल भी नहीं आया। ये देखो ये इसे पिद्दे से टेबल पे मैं बैठ के आजकल वीडियोस बना रहा हूँ, और ये यहाँ बैठ के मैं एडिटिंग कर रहा हूँ। लेकिन ये मसले की बात नहीं है, मसला ये है कि मेरे ख्याल में ना 1 मिनट से भी ज्यादा खींची गई है वीडियो। अच्छा एक जाते जाते आखिरी बात, वो आखिरी बात ये है कि आप लोग देख रहे हो पीछे एक ही बल्ब चल रहा है यार, नहीं जाती इतनी लाइट, नहीं जाती यहाँ, ये पता नहीं क्यों जब मैंने व्लॉग करना होता ना तभी लाइट चली जाती है, तो ये अब UPS वाला बल्ब भी चल रहा है।